Good morning to all. I hope you all are fine. So let's start our class. Today we will discuss class 4 mathematics, page number 132. So open your page 132. देखो ये हो गया 132 पेज. टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज इन दिस पेज. ओके, देन 132 पेज का हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. आज हम लोग वन नंबर का सी नंबर से डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ओपन योर नोटबुक फर्स्ट. देखो यहाँ पर तो फार्मूला आपको पहले ध्यान में रखना है. माइंड में अगर आपका फार्मूला रहेगा तो आपको इजीली कर पाओगे. 27 kg, 59 g, 4 dg एंड 8 kg, 90 dag, 2 g, 6 dg. इसको क्या करना है, आपको सम करना है. तो आपको पहले कैसे लिखना है, 27 kg में आपको बताई थी, जितना भी हम लोग जो भी करेंगे पहले आपको स्मॉलेस्ट यूनिट में आप पहले कन्वर्ट कर लेंगे, देन उसके बाद उसको हम लोग ऐड कर लेंगे. 27 kg इज इक्वल टू आप सबको हम लोग dg में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 27 kg में 27 लिख के 40 dg, 59 g इज इक्वल टू 59 590 dg, 4 dg इज इक्वल टू 4 dg उसे रहेगा. देन उसको ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 270594 dg. ओके, देन सेकेंड यूनिट आपका क्या है, 8 kg इज इक्वल टू 8000 dg, सबको dg में कन्वर्ट कर लेंगे. 80000 dg, 90 dag इज इक्वल टू 9000 dg, 2 g इज इक्वल टू 20 dg, 6 dg इज इक्वल टू 6 dg. देन उसको ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 89026 dg. ठीक है, तो पहला यूनिट सेकंड यूनिट दोनों का हम लोग कन्वर्ट कर चुके थे ऑलरेडी, कर चुके हैं डीजी में. देन ये दोनों नंबर का फिर ऐड करना है. ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 359620 dg. ठीक है, देन उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, केजी में, डीएजी में और जी में. तो 35 kg, 96 dag, 2 g. ओके, देन डी नंबर, डी नंबर का आपका क्वेश्चन बोला है 39 kg, 6 hg, 91 cg, 8 mg एंड 24 kg, 54 dag, 79 cg. तो सबको पहले हम लोगों को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, mg में. तो 39 kg इज इक्वल टू 39 लिख के 60 mg, 6 hg इज इक्वल टू 6 लिख के 50 mg, 91 cg इज इक्वल टू 910 mg, 8 mg इज इक्वल टू 8 mg उसे रहेगा. देन उसको ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 3960918 mg. ओके, देन सेकेंड यूनिट आपका है 24 kg इज इक्वल टू 24 लिख के 60 mg, 54 dag इज इक्वल टू 54 लिख के 40 mg, 79 cg इज इक्वल टू 790 mg. ठीक है, देन उसको ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 2454070790 mg. फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट हमको कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी mg में. देन ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद ये आंसर होगा 6414107 08 mg. ठीक है, तो ये जो नंबर mg है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, kg में, dag में, dg में और mg में. अगर आप ऐसे लिख सकते हो, इसको काट तोड़ के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. अगर नहीं लिखोगे भी तो मैं आपको बताई थी mg रहेगा, तो mg से हम लोग kg जाएंगे तो कितना स्टेप ऊपर जा रहा है. ठीक है, उतना स्टेप के बाद आप डॉट लगा देना. तो ये हो जाएगा 64 kg, 14 dag, 7 dg, 8 mg. ओके, देन आपका ई नंबर 32 kg, 5 dag, 7 g, 1 cg, 23 kg, 7 dag, 9 dg, 9 cg, 4 mg एंड 16 kg, 8 hg, 7 dg, 8 hg, 4 g, 7 dg, 3 cg. ओके, देन ये नंबर को आपको सबको यूनिट को क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, mg में. ओके, तो 32 kg इज इक्वल टू 32 लिख के 60 mg, 5 dag इज इक्वल टू 50000 mg, 7 g इज इक्वल टू 7000 mg, 1 cg इज इक्वल टू 10 mg. ओके, देन इसको ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 320570 10 mg. ओके, देन सेकेंड यूनिट आपका है 23 kg इज इक्वल टू 23 लिख के 60 mg, 7 dag इज इक्वल टू 70000 mg, 9 dg इज इक्वल टू 900 mg, 9 cg इज इक्वल टू 90 mg, देन 4 mg उसे रहेगा. देन उसको ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 230790994 mg.
ओके। देन थर्ड यूनिट आपका क्या है, 16 के जी इज इक्वल टू 16 लिख के 60 एम जी, 8 एच जी इज इक्वल टू 88 लिख के 50 एम जी, 4 जी इज इक्वल टू 4000 एम जी, 7 डी जी इज इक्वल टू 700 एम जी, 3 सी जी इज इक्वल टू 30 एम जी। देन उसको ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 1680 4730 एम जी। फिर ये तीनों नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद ये ऐड करेंगे, पहला नंबर आपका यूनिट था 3205710 एम जी, देन सेकेंड नंबर आपका है 2307094 एम जी, थर्ड नंबर आपका है 1680 4730 एम जी। देन इसको ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 7193 2734 एम जी, ठीक है। देन इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे के जी में, डी ए जी में, जी में, सी जी में, एम जी में, तो आंसर होगा आपका 71 के जी, 93 डी ए जी, 2 जी, 73 सी जी, 4 एम जी, ओके। देन आप लोगों का ई नंबर तक फिनिश हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 नंबर का एफ नंबर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।